नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। सहारा, राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र 3 नवंबर का मैं पढ़ रहा था, उसमें व्यंग्यकार सुधीर पचौरी का एक लेख आया, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, इसका उन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। गैस लाइटिंग क्या है? मैनिपुलेटेड करना, एक यथार्थ को, जो वर्तमान यथार्थ है उसकी जगह एक नए यथार्थ को रखना, मैनिपुलेटेड करना और दूसरों को अपने नियंत्रण में करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे नियंत्रित करेगा, इसके लिए गैस लाइटिंग का प्रयोग होता है। सुधीर पचौरी जी कहते हैं, आजकल हमारे संस्कार तो समाप्त हो गए, संस्कारों का स्थान आजकल गालियों ने ले लिया है। अब शाम को कोई भी टीवी चैनल देखिएगा, उसमें जो समसामयिक विमर्श आते हैं, चुनाव के समय तो चुनावी परिप्रेक्ष पे चर्चा होती है, सभी राजनीतिक दल के एक एक विशेषज्ञ आ जाते हैं और एंकर उनसे सवाल करता है। इस सब में विमर्श कम, गालियां ज़्यादा रहती हैं। पहले आपका जो कल्चर था लखनऊ का, वो तो अब समाप्त हो गया है। हम सभी को सम्मान करते थे, आप कहते थे, लोगों की मदद करते थे, अब उसकी जगह गाली गलौज का कल्चर आ गया, गाली संस्कृति आ गई। आज की राजनीति जो है गाली कल्चर बन गई है, और सोशल मीडिया तो पचौरी जी कह रहे हैं गालियों का गोदाम बन गया है। अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रमुख दल हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ये भरपूर गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किसी को ड्रैकुला कह रहा है तो किसी को कचरा कह रहा है, और इसमें वहाँ की जो जनता है वो आनंदित हो रही है, तालियां पीट रही है, मजे ले रही है, विरोध नहीं कर रही है। ये गैस लाइटिंग है। वास्तव में गैस लाइटिंग जो है भावनात्मक शोषण है, इमोशनल ब्लैकमेल है। आज ये स्थिति है, एक टीवी चैनल ने तो बताया कि एक दल के नेता ने देश के एक बड़े नेता को 150 गालियां दे दी, तो फिर तत्काल उस दल के प्रतिक्रिया करी, उन्होंने भी तो दी है बहुत सी गालियां। अब बताइए, शालीनता, संस्कार, तहजीब सब समाप्त हो गई, हम गाली देते हैं। कोई किसी को पप्पू कहता है तो कोई किसी को फेंकू कहता है। पप्पू और फेंकू से हमारे देश की राजनीति चल रही है। भारतीय साहित्यकारों के लिए बहुत बड़ा मसाला है, अगर वो इकट्ठा कर लें जितनी गालियां हैं, OTT पे बहुत है, फिल्मों में बहुत है, TV चैनल पे बहुत है, अगर इन गालियों को आप इकट्ठा कर लें, आप देखेंगे भारतीय साहित्यकार एक नया गाली कोश बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। आज गाली की प्रतिस्पर्धा चल रही, कंपटीशन चल रहा है गाली का, कि आप, हर व्यक्ति सोचता है वो कितनी गाली दे सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि गाली देने वाला सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो अपने को दीनहीन महसूस करता है और अपनी कमजोरी की भरपाई वो गाली देकर करता है। वो अपनी कमजोरी कैसे छुपाए, तो कमजोरी खत्म करने के लिए दूसरे को गाली देता है। गाली देना वास्तव में कंट्रोल करने का, दूसरे को नियंत्रित करने का एक तरीका है, स्वयं को पावरफुल बनाना। मैं जितनी अधिक से अधिक गाली दूंगा, मेरे को लगता है मैं उतना ताकतवर हूँ, उतना पावरफुल हूँ, मैं उतना शक्तिशाली हूँ। ये मानसिक विकार है, गाली देना वास्तव में क्या है, मानसिक विकार है। गाली देने वाले का ईगो है, एक ईगो होता है, वो समझता है कि उसकी हैसियत बहुत बड़ी है, ये उसका छदम ईगो है, जिसे वो सच मानकर व्यवहार करता है कि मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। चुनाव में अभी देखिए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, खूब गालियाँ दी जा रही हैं। अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी यही जो वर्तमान यथार्थ है उसको बदला गया था। वास्तव में गालियाँ क्या है, मन की भड़ास निकालती हैं। गालियों से ऐसा नहीं कि गालियाँ अच्छी भी होती हैं, गालियाँ करते व्यक्ति अपनी मन की भड़ास को निकाल कर अपने मन को हल्का कर लेता है। सुधीर पचौरी ने एक नई गाली, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, वो कहा एक नई गाली आज भारतीय समाज में है, खास तौर से राजनीतिक जगत में, इसे गैस लाइटिंग की चर्चा की है। बोले ये जो गाली है गैस लाइटनिंग है। अब गैस लाइटनिंग है क्या? 1944 में, बताते हैं, 1944 में एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी गैस लाइटिंग। ये पिक्चर 1938 के एक उपन्यास गैस लाइटिंग पर बनी थी। इस फिल्म में होता क्या है,
फिल्म का जो हीरो है वो घर में गैस लाइट जो है, गैस से लाइट जलती थी वहाँ, तो गैस लाइट से अपने घर की लाइट जो थी बिजली को, उसके नॉब को घुमा देता था, कभी बहुत तेज लाइट हो जाती थी, कभी मध्यम हो जाती थी, कभी धीमी हो जाती थी। और इसके बहाने धीरे धीरे वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है। वो अपनी वाइफ को बताता था, कभी लाइट तेज कर देता था, कभी मध्यम कर देता था, कभी बहुत स्लो कर देता था। पत्नी कहती थी लाइट तेज हो गई, तो बोले नहीं तुमको भ्रम है, मध्य कर दे, तो बोले नहीं। तो धीरे धीरे वो ये करके उसको मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसका शोषण करता था। और अंततः वो ये समझाने में कामयाब हो गया हीरो अपनी पत्नी को, तुम वैसी नहीं हो जैसा अपने को समझती। क्योंकि जब वाइफ उसकी कहती थी लाइट बहुत तेज है, तो वो कहता था लाइट तेज नहीं है, तुमको लग रही है। जब लाइट वो खुद मध्य कर देता था, वो कहती थी वाइफ, तो कहता नहीं लाइट मध्य नहीं है, मुझको तो सही दिख रही है। ये कहलाता है भावनात्मक शोषण। वो अंततः अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब हो जाता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा अपने को समझती हो, बल्कि वो ये तय कर लेता है कि तुम वैसी हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वैसी ही तुम। ये कहता है गैस लाइटिंग। सुधीर पचौरी कह रहे हैं आजकल इस प्रकार की गाली देकर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हम गैस लाइटिंग एक प्रकार का मैनिपुलेशन है, मतलब एक यथार्थ का स्थान दूसरा यथार्थ को देना। वर्तमान में जो यथार्थ, जो सच्चाई चल रही है, उसकी जगह एक नई सच्चाई को प्रस्तुत करना। इसमें गड़े हुए यथार्थ को सच की तरह पेश किया जाए, एक नए यथार्थ को इस तरह से सच की तरह पेश करते हैं कि फिर वो असली यथार्थ की जगह ले लेता है। एक यथार्थ को अपने बनाए यथार्थ से रिप्लेस करना गैस लाइटिंग है। अभी आपने देखा होगा 2024 का चुनाव, दो प्रकार के यथार्थ रहे गए। वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने कहा आपकी बार 400 पार, अब की बार 400 पार को रिप्लेस कैसे किया गया, ये संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे संविधान बदल देंगे, और देखिए चुनाव में उसका फर्क पड़ा। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर इस प्रकार की चीज़ें होती है। एक बच्चा है, वो खेलता कूदता है, बड़ा होता है, बड़े होने तक उसके माता पिता कोई और रहते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब उसके सामने यथार्थ दिया जाता है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं, असली माता पिता तुम्हारे गांव में रह रहे हैं, ये शहर वाले माता पिता तो तुमको ले आए थे, तुम्हारे असली माता पिता गांव में। अब इसमें वो एक द्वंद में आ जाता, हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस भ्रम में वो हीरो फंस जाता है। तो ये उसको एक तरह से गैस लाइटिंग कहलाती है। गैस लाइटिंग यानी आप जो वर्तमान यथार्थ है उसको बदल के एक नया यथार्थ रखना। आज देखिए जितने भी टीवी चैनल में बहस होती है, सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जो आते हैं वो अपनी बात को रखने के लिए दूसरे पर इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसी गालियां देते हैं, ऐसी गैस लाइटिंग करते हैं कि वो महंगाई है, अगला बोल रहा महंगाई हुआ तो बोलो महंगाई नहीं है, आप उसको तुलना करके बताते हैं देखिए आपकी पावर कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है। अगला कहता है कि आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, आपने बर्बाद कर दिया, वो ये बताना चाहते हैं। तो दोनों दलों के लोग नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, दिवाली में अरबों रुपए का खर्च हुआ है, और सब चीज़ को विपक्ष जो है कहता कि कुछ भी नहीं, आदमी भूखा मर रहा है। तो ये गैस लाइटिंग यानी जो मैनिपुलेटेड करना, ये भावनात्मक रूप से शोषण करना है, ये गाली का एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, जिसे सुधीर पचौरी ने गैस लाइटिंग की बात की। गाली यानी एक नए स्वरूप में आई है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। इसमें वास्तव में क्या है कि हम अपने कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे पे इस प्रकार से यथार्थ को रखते हैं, वास्तविकता को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविकता बदल के एक नई वास्तविकता आरोपित हो जाए। और हमारे यहाँ वास्तव में यही चल रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो विकास की जगह, वो व्यवहार की जगह अपनी शालीनता भूल गए हैं, अपने संस्कार भूल गए हैं, और एक दूसरे को गाली दे के परिस्थितियों को कैसे मोल्ड कर रहे हैं, परिस्थितियों को कैसे बदल रहे हैं, ये कहलाता है गैस लाइटिंग। क्योंकि जो कमज़ोर होता है वही ज़्यादा गालियाँ देता है। मनोविज्ञान गाली का बताता है कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो अपने को पावरफुल दिखाने के लिए कि कैसे मैं पावरफुल बनूँ, कैसे शक्तिशाली बनूँ, तो अगले को गालियां देने लगता है। तो आज हमारे यहाँ जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं, शाम को जो बहस होती है उसमें चैनल भी शामिल है,
चैनल भी, सारे चैनल सामने वो ऐसी ऐसी बहस करते हैं, करवाते हैं कि उसमें सभी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। ये जो हमारी संस्कार की संस्कृति थी, हमारे संस्कार का कल्चर था, वो गाली कल्चर में बदल गया है। अब अमेरिका में भी देखें, अमेरिका में ड्रैकुला कहा जा रहा है तो कहीं कचरा कहा जा रहा है, ठीक वही चीज़ यहाँ का है। एक नेता फेकू बोलते हैं कि आप फेकू हैं, बाकी उनको पिछले 12 साल में कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ फेकू कि आपका फेंकू है। एक कहते हैं आप पप्पू हैं। पप्पू और फेंकू के बीच में हम आम जनता पिस रही है, और हम वास्तविकता जो है वास्तविकता से अलग हटके एक नई वास्तविकता, वर्तमान यथार्थ के ऊपर एक नया यथार्थ उसमें बैठता जा रहा है, और वो बता रहा है कि वास्तव में जो वास्तविकता है उससे हम अलग हो जाते हैं और एक नए आरोपित मतलब गले हुए यथार्थ को इस तरह सच की तरह हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि असली यथार्थ की जगह वो ले लेता है और जनता बेवकूफ बनती जा रही है। तो ये इसके लिए उनका कहना है कि वास्तव में धीरे धीरे जब आपके ऊपर कोई गैस लाइटिंग का काम करता है तो आप अपने बारे में संदेह करने लगते हैं, आपको लगता है कि अरे ऐसा हो गया, मुझसे गलती हो गई, आप मानने लगते हैं कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, जरा जरा सी बात पर अगर आपके किसी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जरा सी ठोकर लगी तो आपको लगता है बहुत अपने आप को भावुक समझ लेते हैं, आप अपने काम के प्रति बड़े वो हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप परेशान होते हैं अपने आप को देख के। ये है गैस लाइटिंग की स्थिति। या अगर आपके मित्र लोग, आपके परिचित लोग अगर आपको कर रहे हैं तो आप अपने किए हुए प्रत्येक काम के प्रति आप लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरा जीवन खराब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप बार बार अपने को संदेह के दायरे में ले आते हैं, आपको लगने लगता है कि आप बहुत संवेदनशील, जरा जरा सी बात पे आप सोचने लगते हैं, हो कहीं रहा है लेकिन आप इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि आपको लगता है जैसे आपके द्वारा ये घटना घटित हुई। ये कहलाती है गैस लाइटिंग। गाली का एक नया संस्करण आया है गैस लाइटिंग, जो मैनिपुलेटेड माना जाता है, लोगों को नियंत्रण करना है, जिसके माध्यम से हम लोगों पे नियंत्रण करते हैं, लोगों को मैनिपुलेटेड करते हैं और उनका भावनात्मक शोषण करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए कि इसमें आपको गैस लाइटिंग के बारे में जो भी संशय हो आप पूछिएगा, मैं जानकारी